जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया है। 2014 के बाद 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर को 24 सीटों पर, 25 नवंबर को 25 सीटों पर, 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर कुल 3 चरणों में मतदान होगा और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन 370 के खात्मे के बाद अब हालात अलग है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। परिसीमन के बाद सीटें बढ़ चुकी हैं। 2014 में जम्मू कश्मीर में 87 सीटों पर चुनाव हुआ था, सीटें बढ़कर 90 हो चुकी हैं। जम्मू रीजन की बात करें तो पहले 37 सीटें थी, अब बढ़कर 43 हो चुकी हैं। कश्मीर रीजन में पहले 46 सीटें थी, एक सीट बढ़ी है, 47 हुई है। पहले लद्दाख की 4 सीटें जम्मू कश्मीर में शामिल थी, अब लद्दाख अलग हो गया है, यूटी हो गया, तो वहां पर वोटिंग नहीं होगी। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। चुनाव उसी डेडलाइन के अंदर हो रहे हैं। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 2024 के लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं। अब विधानसभा चुनावों की तारीख आई है, आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव के आधार पर जम्मू कश्मीर में किसकी कितनी सीटों पर बढ़त है। एनडीए की 30 सीटों पर बढ़त है, जिसमें बीजेपी 20, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1 सीट पर आगे दिखती है। इंडिया गठबंधन की 46 सीटों पर बढ़त दिखती है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 34, कांग्रेस 7, पीडीपी सबसे नीचे 5 पर। अन्य की 14 सीटों पर बढ़त दिखती है, जिसमें निर्दलीय 14 सीटों पर आगे दिखते हैं। इस लिहाज से पीडीपी इस दफा कहीं टिकती हुई दिखाई नहीं देती। वो पीडीपी जिसने पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में टक्कर दिखती है। स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। आज ये कलंक हम के साथ पांच अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 ए का खात्मा होता है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे क्षेत्रीय पार्टियों को जोर का झटका जोर से लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में माहौल ना बिगड़े इसके लिए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया जाता है। उसी घड़ी से लगने लगता है कि पता नहीं अब जम्मू कश्मीर का क्या होगा, लेकिन हालात बदलते हैं और जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली होती है। और आज माहौल ये है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का पर्व मनाने की तारीख आ गई है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हो गई है। 3 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं। पहला चरण 18 सितंबर 24 सीटों पर वोटिंग, दूसरा चरण 25 सितंबर 26 सीटों पर वोटिंग, तीसरा चरण 1 अक्टूबर 40 सीटों पर वोटिंग और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। इलेक्शंस इन J&K विल बी हेल्ड इन 3 फेजेस। काउंटिंग वुड बी ऑन 4th ऑफ अक्टूबर। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला खुद हैरत में हैं कि इतने कम वक्त में और इतने कम फेज में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को लगता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेज में इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, मगर वो मौका अब उनको मिलेगा। आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, यहां युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटते हैं और 1500 करोड़ के 84 प्रोजेक्ट्स और कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के विकास के लिए 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करते हैं। यानी बीजेपी का मिशन इलेक्शन यहीं से शुरू हो जाता है और अब चुनावों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव में
जिन दो लोकसभाओं में हम लड़े, 2019 में उन लोकसभाओं में हम 27 सीट जीते थे, अब की बार हम 29 जीते हैं। ये अपने आप में हमारी तैयारियों को दिखाता है, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है, और ये अपने आप में बताता है कि हम इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद यानी 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2014 में विधानसभा चुनाव हुए, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी ने जम्मू रीजन में सबसे ज्यादा सीटें जीती, जबकि पीडीपी ने कश्मीर रीजन में सबसे ज्यादा सीटें जीती। मार्च 2015 में बीजेपी पीडीपी गठबंधन में पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम और बीजेपी के निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री बने। 7 जनवरी 2016 को जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। 4 अप्रैल 2016 को बीजेपी पीडीपी गठबंधन में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती सीएम बनी। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हुआ। 21 नवंबर 2018 को वहां विधानसभा भंग कर दी गई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की सीटें 87 से 90 हो गई। इस बार के विधानसभा चुनाव में गुलाम नबी आजाद एक बड़े प्लेयर हैं। आजाद ने कांग्रेस को छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद के नाम से नई पार्टी बनाई। इस वक्त जरूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज्यादा जरूरी है कि लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया। जो भी बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। लेकिन चुनावों से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने अफसरों के ट्रांसफर का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफर किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफरें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफरों पे जो है एक उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्जामिन करना चाहिए। मुझे लगता है कि उमर साहब का कोई लाडला है जो ट्रांसफर हुआ, इसलिए इतनी ज्यादा वो इस ट्रांसफर से खफा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो बड़ा मुद्दा है वो धारा 370 और 35A का खात्मा, जम्मू कश्मीर को यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ेंगे। प्रधानमंत्री से कहता हूँ, कैसा लगे उनको अगर गुजरात में यूटी बनाई जाए और वहाँ का जो वजीर आला है उसके पास कुछ नहीं हो, कैसे लगेगा उनको? पूर्ण राज्य का एक दर्जा उनसे छीन लिया गया और उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इस मांग को लेकर वो व्यथित हैं। हमने उनकी इस मांग को बार बार दोहराया है, हमारे नेता राहुल गांधी ने दोहराया, खड़गे साहब ने दोहराया, पूरा इंडिया गठबंधन इस मांग में उनके साथ खड़ा है। हमारी पार्टी के लिए, हमारे लीडर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कश्मीर ने जो खोया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया था, वो वापस लाने के लिए हमें जुद्दत करनी होगी, उसके लिए लड़ना होगा। सवाल ये भी है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दलों के चुनावी मुद्दे एक हैं और लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ा गया है, तो क्या ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करेंगे? अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले जो इंडिया गठबंधन बना राष्ट्रीय स्तर पर, पीडीपी भी शामिल थी, आप भी शामिल थे। मैं अभी भी शामिल हूं, इसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है पीडीपी के साथ? मुझे बताइए, ममता भी तो इसी पार्टी की थी, इसी गठबंधन की थी, उसने नहीं किया गठबंधन, मगर है पार्टी की, गठबंधन की पार्टी है, तो फिर सवाल किस बात का है? जम्मू कश्मीर की चुनावी जंग इस बार बहुत तगड़ी है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में पूरी बिसात बिछाई है, तो कश्मीर में क्षेत्रीय दल भी चुनावों में बीजेपी से बदला लेने के लिए बेताब दिख रहे हैं, और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ इन क्षेत्रीय दलों के साथ ही खड़ी नजर आ सकती है।
हमारे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीर फरीद हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील जी भट्ट हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आपने फारूक अब्दुल्ला से भी बात की है, सबसे ज्यादा सक्रिय वही जोश में दिखाई दे रहे हैं, कभी कहते हैं मैं मरा नहीं हूं, कभी कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। बेटे उनके चुनाव से, उन्होंने पहले ही कहा था राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। पीडीपी लेकिन पूरी तरह से नदारद है, क्या समझ में आ रहा है इन चुनावों को लेकर जो सक्रियता दिख रही है? और कई लोगों का यह मानना है कि जो छोटे छोटे दल हैं, अब उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि उनकी बी टीम, सी टीम, डी टीम बीजेपी की, उन सबको आगे बढ़ाने की कोशिश है। देखिए अंजना, आपने सही बात कही कि इस समय फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बाद। इसका कारण है कि अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, अगर हम उनको असेंबली चुनावों की दृष्टि से देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 34 विधानसभा सीटों पर लीड कर रही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी जो कि उनकी घटक दल थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो 7 सीटों पर लीड कर रही थी। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि उनके इन चुनावों में चांसेस काफी अच्छे हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं, वो बहुमत हासिल कर सकते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पीडीपी जो है उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। लोग जी बिल्कुल सुनील, वक्त की थोड़ी कमी है, मीर फरीद आपके पास आते हुए, आज सीसी राजीव कुमार ने भी वहां पर शेरो शायरी के जरिए कहा कि नापाक जो मंसूबे हैं उन सबको जवाब देने की जरूरत है, जमहूरियत से देने की जरूरत है। और लोकसभा चुनाव में जिस तादाद में लोग वोटिंग के लिए निकले थे उसने एक नई मिसाल देश में कायम की है जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर। कश्मीर इलाके में क्या होता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, नई मिसाल कायम की है और लोगों ने दिखाया है कि उनका वोट पे भरोसा जो है बन गया है, वोट उनको डालना है, उनका हक है और वोट में ताकत है। तो वो एक चीज रियलाइज की है लोगों ने। अगर आप लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, यहाँ तो काफी हलचल शुरू हो गई है और ये हलचल लोकसभा इलेक्शंस में ही शुरू हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये पता था कि अब जो असेंबली इलेक्शंस हैं ज़्यादा दूर नहीं है और काफ़ी चीज़ें बदली हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में जब से 370 जब हटा उसके बाद से सब कुछ बदल गया है, आपका डिलिमिटाइजेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदली हैं और उसी हिसाब से जो रणनीति है पोलिटिकल पार्टीज को की उसको भी बदलना होगा। साफ तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जम्मू में बीजेपी है, लेकिन अगर दोनों को बराबर की सीटें आती हैं तो दिलचस्पी तब पैदा होगी कि क्या दोनों साथ आ सकते हैं। बिल्कुल,